हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करने वाला है। मैं जिस सेटअप के बारे में आज बात करने वाला हूँ उसका कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आप जॉब करते हो तो अभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर आप मार्केट के अंदर बिल्कुल ही नए हो, आपको मार्केट के अंदर ज़्यादा कुछ पता नहीं है, फिर भी आप इस सेटअप का इस्तेमाल करके एक काफ़ी अच्छी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा एंड आपका यहाँ पर टारगेट भी क्या रहेगा। वो सारी की सारे बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक्सिस बैंक का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है, और इस सेटअप का इस्तेमाल आप डेली के अंदर एंड वीकली के अंदर कर सकते हैं। जितना टाइम फ्रेम यहाँ पर बड़ा होगा उतना ही यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको डेली के चार्ट के अंदर इसका एग्जांपल दिखाऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है एंड आपको इस सेटअप को किस तरीके से फाइंड करना है। उसके बाद हम वीकली के चार्ट के अंदर जाएंगे एंड वहाँ पर भी हम एंट्री एसएलएन स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इस सेटअप को इस्तेमाल करने के लिए हमें बोलिंजर बैंड नाम का ये इंडिकेटर यूज़ करना है। सबसे पहले मैं इसको चार्ट पर लगा देता हूँ। इस इंडिकेटर के अंदर आपको तीन लाइनें दिखाई देगी, यहाँ पर ये अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है और ये मिडिल लाइन है। इसके अंदर ये जो मिडिल लाइन है वो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज है, तो आपको इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपको इसे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो इसके अंदर हम बैक टेस्टिंग करेंगे, तो हम यहाँ पर थोड़ा पीछे आ जाते हैं एंड इसके अंदर मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि आपको यहाँ सेटअप किस तरीके से फाइंड करना है और आपको एंट्री किस तरीके से बनानी है। तो आपको इसके अंदर ऐसी कैंडल फाइंड करनी है जो कि इस बोलिंजर बैंड के बाहर बनी हुई हो। अगर वो कैंडल पूरी की पूरी इस बोलिंजर बैंड के बाहर बनी हो तो वो सेटअप बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पर ऐसी कोई भी कैंडल आपको दिख जाती है जो कि इस बोलिंजर बैंड के 50% अंदर हो और 50% बाहर हो। जैसा कि आप इस कैंडल को देख सकते हैं, इस कैंडल का 50% भाग इसके अंदर है और इसका 50% भाग इस बोलिंजर बैंड के बाहर है। तो ऐसी कैंडल मिलेगी तो अभी यहाँ पर चलेगा, बट यहाँ पर हमें ऐसी कैंडल मिल जाती है जो कि इस बोलिंजर बैंड के पूरी तरीके से बाहर बनी हुई है। तो आपको डेली के अंदर या फिर वीकली के अंदर ऐसी कैंडल मिल जाती है जो कि इस बैंड के बाहर बनी हो, तो इसके अंदर आपको सिंपली इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना ऑर्डर डाल देना है। अगर मान लो कि इस कैंडल का हाई 700 रुपये है तो आपको इसके अंदर 705 रुपये का ऑर्डर डाल देना है। आपको यहाँ पर थोड़ा बफर रखना है अपनी एंट्री के लिए एंड हम स्टॉप लॉस के अंदर भी थोड़ा बफर रखने वाले हैं। तो अब इसके अंदर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे रख देना है। यानी कि हमने जिस कैंडल के हाई के ऊपर अपनी एंट्री बनाई है उसी कैंडल के लो के नीचे हमें हमारा स्टॉप लॉस लगा देना है। मान लो कि इस कैंडल का लो 602 रुपये है, तो आपको इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस 600 रुपये पर लगा देना है। आपको यहाँ पर 1-2 रुपये का बफर लगाना है। और इसके अंदर हम टारगेट की बात करते हैं, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री होगी बोलिंजर बैंड के अंदर। यहाँ पर जो मिडिल बैंड है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये 20 SMA है, तो ये 20 SMA आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। एंड इसके अंदर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो बोलिंजर बैंड के अंदर ये जो अपर बैंड है वहाँ पर आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इसके अंदर एंट्री बनाई होती तो आप यहाँ पर कितना प्रॉफिट ले सकते थे। तो इस कैंडल की हाई के ऊपर हमारी एंट्री और इसके अंदर हमें सेकंड टारगेट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस ट्रेड के अंदर हमें 5.25% का रिटर्न बहुत ही आराम से मिल जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आप इस वाले कैंडल को भी देख सकते हैं, इस कैंडल का 50% भाग इस बोलिंजर बैंड के अंदर है और बाकी का भाग यहाँ पर बोलिंजर बैंड के बाहर है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी, तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेड ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस लेवल के ऊपर हमारी एंट्री होगी एंड इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पर पता है कि आपका यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा, तो ये 20 SMA हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड ये ऊपर वाला बैंड हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। बट इसके अंदर आपको फर्स्ट टारगेट बहुत ही आराम से मिल जाता है, तो इस लेवल पर आपकी एंट्री है। और इस स्टॉक ने यहाँ पर करीब 7% के आसपास का हाई लगा दिया है, बट आप यहाँ पर 5% के आसपास का भी मूव कैप्चर करते तो भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो इसके अंदर आपको कौन सा ट्रेड अवॉइड करना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आप इस कैंडल को देख सकते हैं, इस कैंडल का आधा भाग बोलिंजर बैंड के अंदर है और बाकी का भाग यहाँ पर इस बोलिंजर बैंड के बाहर बना हुआ है। अगर हम इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री बनाएंगे तो हमें इसके अंदर टारगेट सेट करने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है,
क्योंकि इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट या 20 SMA में रहता है, बट यहाँ पर हमें टारगेट के लिए कोई भी स्पेस नहीं मिलेगी, तो हमको यहाँ पर ऐसे ट्रेड को अवॉइड कर देना है। एंड अब चलते हैं हमारे वीकली चार्ट के अंदर, एंड वीकली के अंदर भी मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो मैंने HDFC बैंक का वीकली का चार्ट ओपन कर लिया है, एंड आप इस वाली कैंडल को देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। यह कैंडल आधी बोलिंजर बैंड के अंदर है और यहाँ पर यह आधी बोलिंजर बैंड के बाहर बनी हुई है। तो इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री एंड 20 SMA में हमारा फर्स्ट टारगेट। और हम इसके हाई की बात करें तो इस स्टॉक ने करीब 7.5% के आसपास का हाई लगा दिया है, वो भी सिर्फ 1-2 हफ्ते के अंदर ही। और इसके अंदर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपको यहाँ पर 4-5 रुपये का बफर लगा देना है। एंड आप यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ये कैंडल इस बुलिंजर बैंड के बाहर बनी हुई है। इस कैंडल का 70% भाग इस बुलिंजर बैंड के बाहर बना हुआ है। तो इसके लो के नीचे हमारी एंट्री एंड इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और इस लेवल पर हमारी एंट्री होगी। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने काफी अच्छा लो लगा दिया है। इसके अंदर हमें करीब 14.5% के आसपास का मूव कैप्चर करने को मिल जाता है और हमारे दोनों टारगेट भी अचीव हो जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एंड इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम के अंदर भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय चांस लिंक काम नहीं करती है तो आप टेलीग्राम में जाकर स्टॉक सेटअप ऑफिशियल नाम सर्च करोगे तो आप वहां से भी चैनल में ज्वाइन हो सकते हो एंड वहां से मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।